हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विठला 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 पांडुरंगा। नमस्कार गौली बुआ। नमस्कार। आपको नमस्कार किया मतलब विठोबा को नमस्कार किया। दासगणु, मुझे नहीं, उस विठोबा को नमस्कार करो। पंढरपुर जाकर? नहीं, शिरडी जाकर। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करो। वो ही विठोबा है और उन्होंने तो स्वयं तुम्हें बुलाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। क्या मतलब? मैं शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जाऊं? मेरे सदगुरु श्री वामन शास्त्री जो हैं, जाना ही होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। विठला विठला, जय हरि विठल। शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा गड़ू, मैं तुम्हें खींच कर यहां ले आऊंगा। दास गणू, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है, इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं। साईं बाबा का कीर्तन करो दासगनु, साईं बाबा का। आपकी जिह्वा तो शिरडी के साईं बाबा का कीर्तन करते हुए थकती ही नहीं है। क्या भगवान का कीर्तन करते हुए किसी की जिह्वा थकती है दासगनु? साईं बाबा अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी का और संत एकनाथ ने पैठण का महत्व बढ़ा दिया, उसी प्रकार साईं बाबा ने शिरडी का महत्व बढ़ा दिया। साईं बाबा की वजह से शिरडी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महीबलेश्वर बन गई है। नाना साहेब, क्षमा चाहता हूं। मेरा तीर्थ क्षेत्र सदगुरु श्री वामन शास्त्री के चरणों में है। मैंने गोली बुआ को भी कह दिया है कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितना भी इनकार करो दास गड़ू, शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है और यही तुम्हारा पंढरपुर है। जय हरि विठल, विठल विठल, जय हरि विठल। नमस्कार दासगनु। नमस्कार। सदगुरु श्री वामन शास्त्री जी कैसे हैं? दासगनु जी, उन्होंने संकेत दिया है कि वो शीघ्र, अति शीघ्र अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। तुम आ गए दासगणु, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो दासगणु।
आप समाधि ले रहे हैं गुरुदेव, आपके बिना कौन हमारा कल्याण करेगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा गुरुदेव? साईं बाबा। साईं बाबा? तुम शिरडी चले जाओ दासगणु, साईं बाबा ने तुम्हें कई बार बुलाया लेकिन तुम गए नहीं। साईं बाबा ही तुम्हारे जीवन को योग्य दिशा देंगे, साईं बाबा ही तुम्हारे असली गुरु हैं। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। दासगणु जी, तुम भजन करोगे? मैं भजन सुनना चाहता हूं। पंढरीनाथ महाराज की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। गुरुदेव, चलो चलो रुपया जेवर है नहीं लूटा, एक मारवाड़ी का हत्या भी हुआ है, तुमको क्या पता? तुम तो ड्यूटी पर नहीं था। मैं ड्यूटी पर ही था साहेब। यू शट अप। आइए नाना साहेब, देखिए ये हवलदार कितना झूठ बोलता है। ये कहता है कल रात हम गांव में ड्यूटी पर था जब मारवाड़ी की हत्या का पड़ा, मगर हमको खबर मिला है ये आज सुबह सुबह इस गाँव में आया है। जी हाँ, मैं आज ही सुबह गाँव में आया हूँ। अगर आज तुम गांव से आया है तो ड्यूटी पर कैसे था? मैं डाकुओं का पीछा करने गया था लेकिन वो अंधेरे में ही गायब हो गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रहा था। देखो हवलदार, हमको तुम पर विश्वास है, हम तुमको एक चांस और देता है। जी। एक महीने के अंदर तुम उन सब डाकुओं को हमारे सामने हाजिर करोगे, अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हम तुमको सस्पेंड कर देगा। और हाँ सुनो, हम तुम्हारा तरक्की भी रोक सकता है। हाँ, तुम कभी पहुंचा नहीं बन पाएगा, अंडरस्टैंड? मेरा ध्येय तो ईश्वर प्राप्ति है, मुझे सद्गुरु की कृपा चाहिए। झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगणु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहिब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था ये सत्य है, क्योंकि मैं अपने सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था
इसलिए ये आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था तब मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहेब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दास गणू चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो दास गणू उदास हो गए, कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी, मैं उदास हूँ क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सदगुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? नाना साहेब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साईं बाबा का बुलावा होगा आपको भी। चले जाइए ना, लड़का मैना को देखने आने वाला है, आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा। सगुन, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं, इसीलिए आपको मैंने दासगुरु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था, फिर उन्होंने कैसे जान लिया? साईं बाबा अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें आने का। शबा साईदा, शबा शबा बाबा, शबा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाज समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है, आप ही मेरे राम है, आप ही मेरे श्याम है। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज सचिदानंद श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगुरु, सरकार की नौकरी छोड़कर यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा।
साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ, कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं दासगणू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे, फंस जाओगे तुम दासगणू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना, याद रखो मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे एक महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हथियारों को पकड़ना है। तो जाओ पकड़ो, लेकिन एक महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना।